माँ की आंख। इधर क्या हो गया है? शायद एक्सीडेंट हो गया है। मेरी आवाज देखो मैं कैसी होगी, ये बीमार हो गया मैं। गाइस मैंने बोला भी ये व्लॉग जब आप देख रहे हो तब हम कश्मीर के लिए निकल गए हो, यहाँ क्या पता कश्मीर भी पहुंच गए हो, कोई पता नहीं है। हेलो गाइस वेलकम अगेन टू द चैनल। तो भाई आज आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा थोड़ा सा कुछ अजीब सी आवाज़ होगी है मेरी। एक्चुअली भाई मैं हो गया हूँ बीमार भाई, क्योंकि आपको पता है भाई जम्मू का मौसम कैसा है, यही देख लो भाई। दो दिन से भाई कंटिन्यू बारिश चल रही है, आज भी सुबह से बारिश ही। हमने सोचा था आज शायद व्लॉग नहीं बना पाएंगे, तो थोड़ी बहुत बारिश कम होगी, मैं सोचा निकलता है कुछ व्लॉग बनाते हैं। मैंने आपको बोला था भाई डेली व्लॉग ट्राई करेंगे, बट जम्मू के मौसम का कोई भरोसा नहीं है भाई, बारिश पड़ी जा रही है और मैं बीमार हो गया हूँ भाई ऊपर से। तो मन तो कर नहीं रहा था बाइक पर निकलने का, बट मैंने सोचा क्यों व्लॉग बना ही लेते हैं। और साथ में मैंने आप सबको बोला था भाई एक राइड का प्लान कर रहे थे हम सब, वो भी कश्मीर जाने का भाई। तो आपको तो पता है बर्फ़ पड़ गई है, तो कश्मीर जाना थोड़ा मुश्किल था, बट हमने सोचा कल जाएंगे ही जाएंगे। मेरी हालत आप देख लो क्या है, इतना बीमार हो गया हूँ, बट फिर भी ये सब बोल रहे हैं नहीं जाना है कश्मीर, तो देखते हैं भाई क्या बनता। अगर मे भी ये व्लॉग जब आप देख रहे हो तब हम कश्मीर के लिए निकल गए हो, यहाँ क्या पता कश्मीर भी पहुँच गए हो, कोई पता नहीं है। R15 RS 200 और RC 390, ये R15 आपको मुझे लगता है लद्दाख के बाद आज ही दिख रही होगी, क्योंकि भाई ये लद्दाख से आते ना इसका गंदा वाला एक्सीडेंट हो गया था बाइक में, पूरी टोटल लॉस हो गई थी। आज जाके भाई ये मतलब कल ये लाई थी हमने, कल बारिश ही इसलिए व्लॉग वगैरह हम बना नहीं पाए थे, कल हमने कंपनी से लाई थी। मैं आपको कुछ क्लिप्स वगैरह थोड़ी बहुत दिखा दूंगा, जब ये टूटी थी ना इसका क्या हाल हो गया था। बंदा तो चलो गया ही गया था, उसकी नाक शाक पूरी टूट गई थी, बट बाइक की जो हालत थी ना पूरी टोटल लॉस हो गई थी। 6 महीने बाद निकली है, 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने बाद निकली है भाई ये, अब तो बिल्कुल नई लग रही है ये, देखो ऐसा लग रहा है आज ही शोरूम से निकाली है। बट जो उसकी हालत थी ना वो उसकी मैं कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा आपको, वीडियोज पड़ी हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप हालत देखना बाइक की क्या थी। और बाकी यहाँ पे अपनी RC लगी है और लगी है RS सब व्हाइट एंड ब्लैक, और मैं फुल मैं भी व्हाइट एंड ब्लैक बना हुआ हूँ। अभी मौसम तो भाई बहुत गंदा है, ठंड तो बहुत लगने वाली है, बट देखते हैं क्या बनता है। मैं भी क्या होता कल हम निकल जाएँ कश्मीर के लिए, तो कश्मीर की राइड में तो मज़ा आने वाला है भाई। वैसे मैं घर गया था 7-8 दिन, मैं सोचा था मैं बर्फ़ पड़ेगी थोड़े मज़े करेंगे, बर्फ़ तो पड़ी नहीं, मैं जो ही वापस आया वहाँ पर भी बर्फ़ पड़ गई। अब तो भाई पूरे अपने मतलब डोडा वाले एरिया में भी हर जगह बर्फ़ है, कश्मीर में भी बर्फ़ पड़ी हुई है, अभी दिखा रहे हैं आज और कल कश्मीर में भी शायद बर्फ़ है, उसके बाद धूप है, जो होगा देखा जाएगा। बर्फ़ में चला लेंगे बाइकें तो क्या हो गया, और थोड़ा बीमार ना पड़ जाऊँ उधर जाके, मैं कहीं एडमिट ना हो जाऊँ भाई कश्मीर जाके, मैं पछता ना जाऊँ। देखते हैं क्या बनेगा, फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, ट्राई कर रहे हैं भाई आजकल डेली व्लॉग्स की। डेली व्लॉग्स तो हो नहीं पा रहे क्योंकि मौसम ही ऐसा है, बारिश पड़ती रही है, आज सुबह से बारिश थी, चलो ये भी बोल रहे हैं निकलते हैं, अभी इधर से बारिश हो जाएगी फिर व्लॉग नहीं बन पाएगा। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं, आपको पता है भाई जब 2-4 बाइक होती है ना अपने साथ फिर बहुत गंदी हाइपर राइड होती है भाई। अभी आगे देख लो, आज आरुण के पास R15 है, शिदाब के पास RS है, आपके भाई के पास 390 है, आपको पता है फिर 390 काम आने की, बट हम इन दोनों को कवर करेंगे आज, आपको फुल हाइपर राइड दिखाऊंगा मैं RS 200 वर्सेज R15। वैसे ही R15 आज ही निकली है बाहर, तो इसकी थोड़ी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हाल ही में बाहर निकली है, तो थोड़ा आराम से ही मेरे ख्याल से चलेंगे शायद ये। बाकी तो आपको पता है सब पागल ही है भाई, अपने सारे वो आराम से अपने सारे ग्रुप वाले मेंटल है भाई। अंकल और पता है ना ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, हाथ में ग्लोव वगैरह लगा के आपको पता है राइड करने की आदत नहीं है भाई। वो देखो वो देखो वो देखो, बट बिना ग्लोव के ठंड बहुत लग रही है। जल्दी जाके खेलिए, गुड लक। क्या बात है भाई, देते हैं उनको भाई। अभी उन दो के पास ही 390 होती ना जो मजा आता ना भाई, थोड़ी पता क्या हो जाता है, मैं ना फुल थ्रॉटल पे नहीं भगा पाता तो मुझे वो मजा नहीं आता है, क्योंकि भाई आपको पता है RS 200 भी थोड़े कम CC है, थोड़े क्या बहुत ज्यादा कम है भाई, दुगनी कम है इससे तो ये तो डबल है उसे, तो R15 से भी तो थोड़ा ये मुझे अजीब सा लगता है जब मैं मतलब उनके साथ भगाता हूँ। अब ये तो फुल थ्रॉटल पे भगा रहे होते हैं, बट मैं फुल थ्रॉटल पे भगा नहीं पाता, जब मैं भगा जाता हूँ आगे निकल जाता है, बट जब इनके पास 390 होगी ना फिर आपको पता है क्या होना है भाई।
ये तो पागल है भाई मेरे से, मैं फिर भी सोच समझ के चलूँगा सौ चीज़ें देख के। नहीं बट ये लोग नहीं, इनको ना कुछ ब्लॉग बुलाना होता है ना कुछ, ये बस भगाते रहते हैं। कितना गंदा ट्रैफिक लगा हुआ है यार, सिग्नल खुल गया जान दो। आगे शायद नाका लगा हुआ है, निकल गए आगे। हारून तो रुका हुआ है बट शिदा पता नहीं कहाँ है। ओए भाई बाइक क्या उछली है भाई साहब, वैक्सीन हो गया था भाई। मैंने बट रखा थ्रॉटल पे, बाइक ऐसे उछली है अबे यार पीछे से कवर होता ना फिर पता चलता, यहाँ से उतना नहीं पता चला होगा आपको हैंडल से, नॉर्मली हुआ होगा शेक, बट पीछे से जब बंदा देखता है ना उसको पूरा पता चल जाता है क्या हुआ है। इसने तो देखा है पूरा क्या सीन हुआ है। ये जगह बड़ी डरावनी है यार, जगह मुझे कभी नहीं भूलेगी। अभी शिदाब अंदर से बोल रहा होगा 390 लेके पास मार रहा है, हमारे पास होती फिर हम बताते मुझे पता नहीं भाई किसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्योंकि जब ऐसे हम जब घर जाते हैं ब्लॉग वगैरह बनाने के बाद कभी भी अगर हम साथ में राइड करते हैं ब्लॉग बनाए ऐसे जब हम राइड करते हैं, शिदाब एक ही बोलता है जिस दिन मेरे पास 390 आई ना उस दिन तुझे बताऊंगा। ओ भैया क्या देख रहे हो मुझे, आप भी आ रहे हो मैं भी आ रहा हूँ, गलती दोनों की है। मुश्क आ रही है बड़ी, शिदाब की बाइक जल गई, ये धुआं उठा, आग लग गई है, आग लग गई इसको। मुश्क आ रही है यार, क्या जला, ब्रेक से भी नहीं है, साइडो बजी नीचे कहीं निकलता है, आगे लगाओ नीचे, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, देख धुआं कितना निकल रहा है। सो गाइस अभी हम आ गए हैं नेस्कैफे, थोड़े कॉफी वगैरह पियेंगे भाई, क्योंकि बीमार हो गया मैं इनको, तो भाई मेरे पे वो तरस ही नहीं आता, वो तो आइस टी पियेंगे मैं, ठीक है भाई मैं इतनी ठंड में इनको आइस टी पीनी है, मेरी आवाज देखो भाई कैसी होगी, बीमार हो गया मैं गाइस। मैंने बोला इसको कि कॉफी पियेंगे, ये आइस टी पीने के चक्करों में। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, पैसे भी दे देता है कॉफी के, दे देंगे ब्लॉग का कंटिन्यू रहना चाहिए बिल और खाएंगे दोबारा पिएंगे, ठीक है दोबारा देखते हैं, कोई बात नहीं है, तो अगर नहीं दिया ना देखते और नहीं पिए सबके टाइम नहीं, मैं बीमार था इसलिए बोल रहा हूँ दे देते, शर्म कर लेते थोड़ी सी। शिदाब की तनख्वाह भी आई हुई थी, शिदाब की तो पे भी आई हुई आज, अब ये लोग चेक कर रहे हैं जीरो बैलेंस, क्या करूँगा चेक। कोई नहीं गाइस कॉफी वगैरह पीते हैं, देखते हैं अगर कुछ खा रहे थे, भूख तो नहीं थी, हम खा के आए थे घर से, तो निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं आज कहाँ जाना है, कहाँ मरना है, कहाँ पे राइड करनी है। बारिश स्टार्ट हो गई है, ये देखो बाइकों की हालत, अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं क्या करें, यहाँ से वापस घर जाएं या फिर सिटी से जाएं, क्या करें क्या करें, बोलो सिटी से या वापस, सिटी से जाना या यहीं से वापस, यहीं से चलते। अब हो गया स्टार्ट बारिश और रोड हो जानी है गीली, देखते हैं क्या पता सिटी वाली साइड बारिश ना हो, अगर नहीं होगी तो फिर तो भाई आपको पता है फिर तो हाइपर राइड कंटिन्यू रहेगी, वरना ऐसी बारिश में हम कुछ व्लॉग नहीं बना पाएंगे, हम पूरे गीले हो जाएंगे गाइस। आओ टॉप एंड मारते हैं आरसी का, क्या हाल है, 150 तो ऐसे चली गई है, लिमिटर
लिमिटर हटा देना पड़ेगा मुझे अब इसका, बार बार लिमिटर आ जाता है 170 से ऊपर ये जाती नहीं है। एक टाइम था जब मैंने 99 ली थी ना, ये 177 भी जाती थी, 170-172 पे लिमिटर कुछ नहीं आता था इसका, डायरेक्ट 177 जाती थी, फिर जाके कहीं इसका लिमिटर बजता था। अगर उस टाइम वहाँ पे भी नहीं बजता तो 180 भी इजीली टच कर देती थी। इसी रोड पे भाई, इसी रोड पे मैंने 177 भी टच की है, 178 भी टच की है भाई एक बार मैंने, बट अब तो ये 171-172 पे लिमिटर मार खा देती है। किसकी किसकी तेरी 159 नहीं यार गाइस, आरएस का भी टॉप एंड 159 पहुंच गया आज, पहली बार देखा। मेरी तो 170 पे अटक गई थी गाइस, ये भी सही है भाई। आरएस का टॉप एंड भाई मैंने जहां तक देखा है ना, लिमिटर 145-148 पे आ जाता है इसका, आज तो आप हो रहा है 158 गई है भाई। A few moments later. क्या बात है भाई, असली मज़ा आता ही है भाई खुली रोड पे भाई। तीन जब ज़्यादा बाइक्स होती है ना, फिर थोड़ी रोड भी खुली होनी चाहिए, टाइट भाई देखो पास मारने के चक्कर में बंदा पड़ जाता है कहीं, तो फिर थोड़ा सी दिक्कत हो जाती है सामने वाले को भी और हमें भी। अब तो फ्लाईओवर आ गया, कितनी भगाएगा। चल चल ओ आगे ही रखते हैं इसको। बहुत ज्यादा लेकिन डाल दे ऊपर से जाना था भाई, ये नीचे चले गए। वो ओ चल अरुण, शिदाब कहीं रह गया, ओए कुत्ता खाट जाता है यहाँ से, मैं शिदाब को देखते रह जाता। पुलिस वाले सर कैसे देख रहे हैं, इन दोनों की लगी है भाई आपस में रेस। उधर क्या हो गया, शायद एक्सीडेंट हो गया। ओ भाई क्या उछली है भाई, पता नहीं कितने टाइम बाद ऐसी राइड कर रहे हैं भाई हम। बस दुख एक ही चीज का है, बराबर सी नहीं है भाई, 390 नहीं है सबके पास। फिर तो भाई आपको पता है मौत होनी है किसी की अगर बराबर सी होंगी। ट्रैफिक ट्रैफिक ओ माँ की आंख, खड्डे में बाइक गई थी, खड्डे में नहीं नहीं खड्डे में बाइक बजी, मैं तो इतना बजा। उस बंदे को इतना नहीं पता क्या हुआ है, क्या तो मुझे लगा तो गाड़ी के साथ बजा है। ध्यान दे
सीधी पहले ही साइड देगी, जिसको पता था पागल आ रहे हैं पीछे से। आए इजी इजी, बहुत भगा ली यहाँ पे, अगर ज़्यादा भगाई ना पीछे से पूरा गंदा हो जाऊँगा भाई। दोनों की रेस पे किया क्या बोलते, दोनों को पास मारे चल चल ओए हो ओ अभी पक्का हिसाब बोलेगा 390 है तभी आगे जा रहा है। बट बात तो सही है भाई, 390 इसलिए आगे जा रहा हूँ। डाल दे बीच से, चल चल क्या बात है, पूरे जोर दे रहा है एकदम। माँ की आंख, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। सेव देखा सेव। क्या बचा हूँ यार, क्या बचा हूँ यार। वो बंदे भी भाई, उनने भी मौत देख ही ली थी। फक सीन हो गया था यार, फक सीन हो गया था गंदे वाला। अब थोड़ी ना ही रुकेंगे, अब इनको पता है। मेरे ख्याल से ये भैया थे, नहीं ये नहीं थे, उधर भाई रॉन्ग साइड से रोड क्रॉस कर रहे थे, बीच में आ गए हुए थे। यू टर्न खाली इस साइड से रखा हुआ है, उस साइड से नहीं रखा हुआ है। पर क्या बोलूँ अभी यार, छोड़ो भाई। एक सेकंड में मेरे माइंड के लिए आया था ना, मैं इनको मैंने बीच में मारी है, मैं उछल के उस पार हूँ और ये बेचारे भी ख़त्म है। बट नहीं जी, मुझे जगह हल्का सा मतलब ऐसे आया ना, मैंने ब्रेक दी पहले, मैंने सोचा अगर ब्रेक दबा के रखूँगा मैं तो इनके साथ बच ही जाऊँगा। मेरे को हल्का सा गैप दिखा है, मैं नहीं नहीं बचेंगे हम, नहीं बचेंगे, मैंने ब्रेक छोड़ के कट मार दिया। आज यहीं से व्लॉग स्टार्ट हुआ है, यहीं पे ख़त्म होगा, और इससे ख़त्म तो वहाँ हो जाना था। है तुम दोनों ने देखा पीछे से, नहीं यार मैंने देखा, मुझे लगा तूने स्लो इसलिए क्योंकि मैं तुझे पास नजदीक था, मुझे लगा तूने मेरे लिए स्लो की। मैंने तेरे लिए नहीं, ये तुझे हाथ से भी दिखा रहा है। मैंने देखा आगे, वो मेरे को पता कोई ना कोई आएगा उल्टी साइड में। यार वो उधर यू टर्न था ही नहीं, वो तो रॉन्ग साइड आ रहा था। यूटर्न तो इधर भी नहीं था, किधर? नहीं नहीं इधर, इधर वो तो ट्रैफिक वाले ने उसको बोला आने के लिए, इधर तो तेरी गलती थी। सामने सामने रॉकेट इसने सीधा एंटर वाले को, अगर इसकी बज्जी होती ना, मैंने जैसे दो देखे ना, मुश्किल से ठीक हो के आई है। लेकिन मैंने पता, मेरे एक सेकंड में आया था कि मैं इसके बीच में बजाऊं, मैं उस पार हूं तो ये तो दोनों खत्म है। फिर जब मुझे एक सेकंड के लिए वहाँ जगह देखी, मैं नहीं निकाल देते हैं, बाकी अभी वीडियो देख लेंगे क्या हुआ है क्या नहीं। ये तीनों बाइक्स थी आज, ये तीनों मौतें थी, उसने तो मौत देख ली है भाई अच्छे से, वो अब थोड़ी शांत हो गई है। ये तो वो 6 महीने से देख के आई है, सही सलामत वापस पहुँचे, कल हम कश्मीर जा पाएंगे। और ये तो 6 महीने बाद आई है, इसने देख, इसने आज मौत नहीं देखी, इन दोनों ने देख ली, क्योंकि ये पहले 6 महीने से देख के आई है, ये अंदर थी ना, इसको पता था। जैसे ही गलत होती थी कहती थी 6 महीने 6 महीने में अंदर थी, मौत नहीं जाना, मौत हो रही है खुली, वो बोलती है नहीं। ये तो ये भी तो 15-20 दिन तो ये भी अंदर रही थी, दो महीने ये भी रही है। अच्छा इसका मतलब सिर्फ वो एक है। नहीं नहीं मैं नहीं चाहता, उसने तभी मौत देखी ना, उसको टेंशन ही नहीं थी। चलो जो भी था भाई, आज की वीडियो को भाई यही एंड करते हैं, कल हम निकल जाएंगे कश्मीर के लिए, होपफुली अगर बारिश ना हो तो हम तो पक्का, फिर तो 100% बारिश होगी तब भी मे भी निकल जाएं हम, स्टोरीज वगैरह सब आपको पता चल ही जाएगा जब आप ये ब्लॉग देखोगे, तब हम कश्मीर में होंगे। बाकी आज की वीडियो को भाई यही एंड करते हैं, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।